बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइम्स वर्चुअल एकेडमी में खुश आमदीद। केमिस्ट्री क्लास 9th लेक्चर नंबर 1। जनरल टॉपिक आए बाबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो 9th क्लास के अक्सर स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज रो इन करे पान जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ईजी वे से समझाऊँ सा। पहली गाल तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लव्स कॉन्फ़िगरेशन की माना चाहे इन द कोर क्योस कॉन्फ़िगरेशन लव्स की माना है डिस्ट्रीब्यूशन। इन जी सिंपल डेफिनेशन पान ये चुनाउस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट आर सब ऑर्बिट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है विंस, पहली गाल त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा समझण लाइ पान के थोड़ो आइडिया होजन खपे ऑर्बिट्स छा हुंदा आहिनि ऐं सब ऑर्बिट्स छा हुंदा आहिनि। ठीक है, पहली गाल त ऑर्बिट जो कॉन्सेप्ट दिनो आ वो दिनो आए नील बोहर पैंजे बोहर्स एटॉमिक मॉडल में उन आइडिया दिनो 1913 में। ये एक स्टूडेंट हो रदरफोर्ड जो पैंजे टीचर के पैंजे मॉडल में हिन रॉन्ग कयो, उन मॉडल के इन पान मॉडिफाई कयो, जेके कुछ रदरफोर्ड मिस्टेक कयूं एटॉमिक मॉडल में उनके करेक्ट कयो हुयो नील बोहर। नील बोहर असांखे आइडिया दिनो शेल्स जो। ठीक है, हाँ पाने खबर आ एटम जी, एटम जी पेरिया सेंटर ते हुंदो आए न्यूक्लस। रदरफोर्ड बुधायो तो न्यूक्लस में छा हुंदो आए पॉजिटिव चार्ज, जेमे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रिजाइड करन था। ज़ाहिर प्रोटॉन जी चार्ज प्लस आए, न्यूट्रॉन जी काई भी चार्ज ना है। तो असा चाहूं मिसाल तौर एक रूम आए पांजो, इन रूम में ब मानू वेठा आइन, उन बिन मानून वट एकड़े वट लख रुपयो आए बे वट कुछ भी ना, तो टोटल रूम में पा लख रुपयो दींदो। अड़े नमूने सा एकड़ो रूम आए न्यूक्लस भी, जैमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आइन, न्यूट्रॉन वट काई भी चार्ज ना होंदी आ जीरो चार्ज, प्रोटॉन वट प्लस चार्ज होंदी आ, इन जे करे असां चवंदा सजे न्यूक्लस जी चार्ज पॉजिटिव आए। उन खां बाद न्यूक्लस का थोड़े डिस्टेंस ते शेल्स हुंदा आहिनि जैके असां ऑर्बिट भी चाहूं था, ऐं ये शेल्स एक शेल न हों, काफ़ी शेल्स हुंदा आहिनि इन न्यूक्लस के चौधारी, जैमें इलेक्ट्रॉन्स छा कंदा रहंदा रिवॉल्व कंदा रहंदा। ठीक है, अड़े नमूने से पाण शेल्स डिज़ाइन कयूं था। हाँ इन शेल्स जहाँ नेम्स भी नील बोहर रखा हुआ, जो फर्स्ट शेल आए जो नालो रखो हुए के एल एम एन ओ पी एन क्यू। याद रखोस इन नील बोहर जो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स 7 शेल जा नाला लिखा के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, इन मकसद यो ना तो टोटल 7 मीन्स शेल्स आइन, शेल्स तमा चोंदो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आइन, पर जेके नेम्स रखिया वेन उए 7 शेल जा नाला रखिया आइन। डिस्ट्री स्टार्टिंग थे थी पाँच के खां वठी करे क्यू ताईं टोटल 7 शेल अची वेंदा। हाँ याद रखो तो जेकर मिसाल तौर पाँच के शेल तो के जो शेल आए वो फर्स्ट शेल आए, ऐं जेकर पाण हलूं सेकंड शेल एल शेल आए उन जे लाइ लिखंदा ते पाण सेकंड 2N2 एंड हे थींदो N3 N4 एंड N5। व्हाट इज मीन बाय एन, एन मीन्स नंबर ऑफ शेल, टोटल आइडिया। बी गाल तव्हां खे ॿुधाईंदो हलां त हे जेके शेल्स आहिनि पाण इन्हनि जा नाला जेके आहिनि सिर्फ़ु शेल न, इन्हनि जा नाला जेके आहिनि पाण शेल भी थी सघे थो, इट इज़ आल्सो नोन एज शेल, या इनखे ॿियो छा सरीबो आहे ऑर्बिट, या इनखे ॿियो छा सरीबो आहे एनर्जी लेवल। इहे टे नाला आहिनि, भले असांजी मर्ज़ी आहे
पाण ऑर्बिट छॾियूंसि, शेल छॾियूंसि या एनर्जी लेवल्स। ठीकु आहे, आइडिया क्लियर थी वियो। हाणे पाण चयोसीं टोटल जेके पाण जा शेल्स आहिनि हिन वक़्तु, जेके नेम्स जेके डिज़ाइन कया विया आहिनि उहे 7 डिज़ाइन कया विया आहिनि, KLMNOP। ठीकु आहे, हाणे अॻिते हलूं था पाण। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असांखे कीअं ख़बर पए त के में केतिरा इलेक्ट्रॉन्स आहिनि, एल में केतिरा इलेक्ट्रॉन्स आहिनि, एम में केतिरा इलेक्ट्रॉन्स आहिनि, इन्हनि जो बि जेको परेशानी हुई उहा असांजी हल करे छॾी नील बोर। नील बोर ॿुधायो त हे फार्मूला जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदो 2n² फार्मूला, इहो हुन फार्मूला जे तहत तव्हांखे ख़बर पवंदी के में इलेक्ट्रॉन्स, एल में, एम में, एन में, ओ में, पी में, क्यू में। सिंपली तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलांसि त हिते जेको एन आहे, व्हाट डू मीन बाई एन, एन मीन्स नंबर ऑफ शेल्स। ठीकु आहे, जहिड़े नमूने सां पाण हिते लिखियो आहे N1, N2, N3, N4, N5, N6, N, ठीकु आहे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। ठीकु आहे, अचोसि पाण हलूंसि था। पहिरियों शेल आहे के, जेकॾहिं कोई पुछे त के काऊं शेल आहे, तव्हांजोसि इट इज़ नोन एज़ फस्ट शेल। हे फस्ट शेल आहे, त इन जो एन छाजे बराबरि थींदो, एन बराबरि थींदो 1 जे। ठीकु आहे, हाणे पाण नंबर ऑफ शेल्स ॾिसणु चाहियूं था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के में, त तव्हां हिते सिंपली कीअं कंदोसि, तव्हां हिते लिखंदोसि 2n² फार्मूला। हिन फार्मूला जे तहत असां ईज़िली मालूम करे सघूं था के में केतिरा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट थी सघनि था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हे असांखे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ॿुधाईंदो, तव्हां हिते सिंपली लिखंदोसि 2 ऐं एन, एन बराबरि छा जी आहे 1 जे, हे 1 मथां ॾींदासीं पाण स्क्वायर, इहे ख़बर आहे पाण खे त 1 जो स्क्वायर छा थींदो आहे, सिंपल 1। 2n × 1 जवाबु चाहींदो 2, मीन्स असां चई सघूं था हिन में मैक्सिमम जेके इलेक्ट्रॉन्स आहिनि उहे 2, मीन्स हिकु बि लिखी सघूं था, पर कॾहिं बि असां 3, 4, 5, 6 वग़ैरह इलेक्ट्रॉन्स कॾहिं बि के में तव्हां ॾिसो ॿिनि खां मथे इलेक्ट्रॉन्स न ईंदा। हिकु थी सघे थो पर कॾहिं बि 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स असां नथा लिखी सघूं, अगरि रखंदासीं ग़लति थी वेंदो। हे के शेल, उनखां बाद पाण हलूंसि था सेकंड शेल आहे एल। एल जो मां तव्हांखे आइडिया ॾियां, सिंपल तव्हां ॾींदोसि इहो काऊं शेल आहे, हे सेकंड शेल आहे। जेकॾहिं इन जो एन वैल्यू पुछा कई वञे, तव्हां सिंपल ॾींदोसि एन जो सिंपली 2 थींदो, सेकंड शेल आहे। ठीकु आहे, असां हिनखे 2n² फॉर्मूले थ्रू मालूम कंदासीं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केतिरो थींदो। ठीकु आहे, हिते तव्हां लिखंदोसि 2, एन बराबरि छा जी आहे 2 जी आहे। ठीकु आहे, हाणे 2 जो स्क्वायर केतिरो थींदो, 2 जो स्क्वायर थींदो आहे 2 × 4, त तव्हां लिखंदोसि टोटल जेके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहिनि उहे केतिरा अकोमोडेट थी सघनि था, 8। मीन्स असां के में ॿिनि खां मथे इलेक्ट्रॉन्स नथा रखी सघूं। अहिड़े नमूने सां तव्हां ॾिसो एल में 8 खां मथे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॾहिं बि न ईंदो, कॾहिं बि 9 असां सेकंड शेल में न रखंदासीं। 7 रखोसि, 6 रखोसि, 5 रखोसि, 3 रखोसि, 1 रखोसि, 2 रखोसि, पर कॾहिं बि असां 9, 10, 11 वग़ैरह न रखंदासीं। ठीकु आहे, भाउ एल जी ख़बर पइजी। उनखां बाद में तव्हांखे मां ॿुधाए थो हलांसि सिंपली एम शेल आहे। एम शेल तव्हां ॾिनोसि इहो थर्ड शेल आहे, इट इज़ नोन एज़ थर्ड शेल। हाणे थर्ड शेल में एन वैल्यू छा थींदो, तव्हांजोसि 3। हिन जो जेकॾहिं मिसाल तौरु असां 2n² फार्मूला मालूम कयोसि, 2n² फार्मूला जे थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केतिरा अकोमोडेट थी सघनि था, तव्हां ॾिसो 2n बराबरि आहे 3 जे मथां ॾींदासीं पाण स्क्वायर, 3 जो स्क्वायर बाबा छा थींदो, सिंपल आहे 3 × 3 = 9, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थींदा 18। मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असांजा अची सघनि था केतिरा, 18। जीअं पोइ ते पाण 8 कयोसीं, हिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईंदा पाण जा थर्ड शेल में 18। मीन्स तव्हां घटि लिखी सघो था, वधीक न लिखंदव। अहिड़े नमूने सां तव्हां हर हिकु शेल जेतिरा बि आहिनि तव्हां मालूम करे सघो था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भले तव्हां एन जो मालूम करे सघो था, ओ जो, पी जो, क्यू जो, कंहिं बि शेल जो तव्हां मालूम करे सघो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स मां हाणे तव्हां सिंपल तव्हां पाण मालूम कंदोसि, मां डायरेक्ट लिखां थो, जेकॾहिं एन अची वञे, एन तव्हांजो हूंदो आहे फोर्थ शेल, इट इज़ नोन एज़ फोर्थ शेल। चोथों शेल आहे जंहिंजो तव्हां एन वैल्यू लिखंदोसि 4, इनखे पुट कंदोसि एन स्क्वायर जे थ्रू तव्हां मालूम कंदोसि त टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईंदा मैक्सिमम 32, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीकु आहे, आइडिया क्लियर थी वियो। भले तव्हां मालूम करे सघो था ओ में 50 ईंदा, अहिड़े नंबर सां पी बि मालूम करे सघो था, एंड क्यू में बि तव्हां मालूम करे सघो था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीकु आहे।
मां तव्हांखे सिंपल हिकिड़ी टेबल ठाहियां थो जीअं तव्हांखे क्लियर थी वञे ईच एंड एवरी शेल्स कंटेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीकु आहे भाउ, पाण सिंपल जेको फस्ट पाण पढ़ियोसीं शेल, मां हिते लिखांसि थो फस्ट शेल कहिड़ो आहे के, उन खां बाद पाण लिखांसि था सेकंड शेल आहे पाण जो एल, एल खां बाद में थर्ड शेल पाण लिखियोसीं एम, एम खां बाद में एंड फोर्थ शेल आहे एन, एन खां बाद में तव्हां लिखंदोसि ओ, अहिड़े नमूने सां काफ़ी नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, ओ ते काफ़ी है। हाँ पा इन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे तो पढ़ी आया, सिर्फ एक टेबल ठायस पा के थोड़ा आइडिया थी वे जैसे काथे भी टेस्ट में अचे तो इन टेबल में माइंड में रखदस। पेरे शेल में अस लिखी आया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये जो लिखा तो ये जो पा लिखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पेरे शेल में ब ऐं पाण लिखोसि था सेकंड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईंदा तव्हांजा लिखी आयासीं पाण अठ, ऐं थर्ड शेल एम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। ठीकु आहे, पोइ ते पाण पढ़ी आयोसि ऐं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तव्हां लिखंदोसि एन में 32 एंड ओ में पाण चईंदा 50। अहिड़े नमूने सां पी जो तव्हां मालूम करे सघो था, क्यू जो मालूम करे सघो था। आइडिया क्लियर थी वियो पाण खे शेल्स जे बारे में। त शेल पाण जा नील बोअर साइंटिस्ट कॉन्सेप्ट दिनों उन यह गाल कही तो इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, उन शेल्स के नाला भी रखा कड़ा कड़ा नाला रखे थे के एल एम एन ओ पी, टोटल मैं तुम्हें बुझा सेवन शेल्स। इन सेवन शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि अस अकोमोडेट कर सकता असेंगे उन फॉर्मूला भी दई छो आसान कर छो 2n² फॉर्मूला के थ्रू मालूम कर सकता कड़े शेल में केतरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, के शेल में पान से ब एल अठ, एम में 18, एन बटी एंड ओ। ठीक है, ऐसी तरह जो आइडिया क्लियर थी शेल्स के बारे में। हाँ पा मूव क्यों था सब शेल्स की तरफ। ठीक है, सब शेल्स जो कॉन्सेप्ट ऑर्बिट का बाद में नील बोर का बाद में कॉन्सेप्ट आयो तो इलेक्ट्रॉन्स जो शेल में न शेल के अंदर नंढा सब शेल्स उन अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे तो कंटिन्यूसली। पर जैसे मिसाल तौर में सब शेल्स जो नालो अड़े नमूने से लिखा सब ऑर्बिट तो पा चई सकता जड़े नमूने से पा चोसे शेल त सब शेल ऑर्बिट त सब ऑर्बिट जैसे एनर्जी लेवल आ चई सको सब एनर्जी लेवल या मां सिंपल चवन इनके सब लेवल तुम भी चई सको इनके दीज आर नोन द सब लेवल्स। ठीक है, हाँ पा टोटल पढ़ोसे तो नंबर ऑफ शेल्स तो इनफाइनाइट आन पर सत नंबर ऑफ शेल जो पा डिफाइंड थियल पा अड़े नमूने से कोई भी असों को पुछे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सब शेल्स तुम्हारे देयर आर फोर सब शेल्स। इन जो तादाद जो कॉन्स्टेंट है इन वक्त तई पा चार सब शेल्स आन अगर जैसे एलिमेंट्स 118 को वन था तो कॉन्सेप्ट थी सके तो फिफ्थ शेल भी अची सके तो बहरहाल पा पढ़ों चार सब शेल्स। पेरो जो है जो नालो छा एस, सेकंड जो है पी, थर्ड जो है जो नालो रखो है डी एंड फोर्थ जो सब शेल है दैट इज नोन एज एफ। चार सब शेल थी हाँ ये सब शेल्स के नाला जड़े नमूने से पा लिखा एस मीन्स, एस मीन्स स्फेरिकल। ठीक है, एस मीन्स स्फेरिकल ए पी जो नालो कड़े नमूने से पो पी मीन्स प्रिंसिपल। आइडिया क्लियर थो डी नालो कड़े नमूने से पे तो वह डी मीन्स डिफ्यूज्ड। एंड एफ मीन्स पा लिखोस एफ ये पा जो एफ आए एफ मीन्स फंडामेंटल। हाँ तो क्वेश्चन क्रिएट थे तो ये एस्फेरिकल है प्रिंसिपल डिफ्यूज एंड फंडामेंटल याद रखोस ये लाइन्स जो नाला दीज आर द नेम्स ऑफ लाइन्स। हाँ तुम ये लाइन्स जुन ये कड़ी लाइन्स सर्वियन ये याद रखोस ये होंदन स्पेक्ट्रल लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स।
ठीक है अजा भी तक ईजी क्या तो पा के खबर होजन खबे स्पेक्ट्रम के बारे में तो इलेक्ट्रॉन जो जैसे एनर्जी रेडिएट कह या एब्सॉर्ब कह तो उन वक्त एक स्पेक्ट्रम है। हाँ स्पेक्ट्रम मां ईजी कर दें तो जैसे असं दिखो है रेनी सीजन में रेनबो जी ठीक है इंटरलेट प्लान जो चुनाव उन सेवन कलर्स इनके सर हों दीस आर उन स्पेक्ट्रम या सिंपली तुम चई सोता द स्टेडी ऑफ सेवन कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। सेवन कलर्स के शॉर्टली याद करने के ईजी में लिखा तो विबकेयर इट इज़ नोन एज विबकेयर फुल नेम वी फॉर वायोलेट आई फॉर इंडिगो बी फॉर ब्लू जी फॉर ग्रीन वाई फॉर येलो ओ फॉर ऑरेंज एंड रेड फॉर ठीक है लास्ट सतन कलर्स की स्टेडी के पा स्पेक्ट्रम छीदाऊँस ये जी इंटरलेट ठीक है ये सत कलर्स हाँ यो स्पेक्ट्रम बिन किस्म जो है एक कंटिन्यूस जो रेनबो बेस्ट एग्जाम्पल है उनको बो है लाइन स्पेक्ट्रम जैसे असं स्पेक्ट्रल लाइन्स जो नालो दिनों से जो लाइन स्पेक्ट्रम आ याद रखो लाइन स्पेक्ट्रम एलिमेंट में ठाको आ मीन्स कें एटम में जैसे असो बल्ब जो एग्जाम्पल वूँ बल्ब में जो रेडिएशन्स निकरंदा इन रेडिएशन्स के जैसे स्पेक्ट्रम के थ्रू दिखो वे तो तुम उनमें लाइन्स स्पेक्ट्रम ठो है मन सत कलर्स कंटिन्यूसली नाइन ठादा उनमें लाइन्स ठीक जैसे स्पेक्ट्रल लाइन्स सदो वो उ स्पेक्ट्रल लाइन्स दिखी व्यू तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट कह तो उतने लाइन्स जो टन व्यू वो लाइन्स चार किस्म जो स्फेरिकल प्रिंसिपल डिफ्यूज एंड फंडामेंटल उतना ही नाला मीन्स एग्जॉस्ट कैबिन ठीक है एस पी डी एंड एफ। हाँ पा लिखाऊँ था जे नंबर से इतने पा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखता हलूँ पा तो इतने पा लिखदे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट आए एस एस का बाद में तुम लिखद पी पी का बाद में डी डी का बाद में एफ ये चार सब शेल्स हैं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केतरा थी सकता जैसे असर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नाल हों इत लिख मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है उनमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अठारह बटी सागो ही इन इन फॉर्मूला के अगत मैजिक नंबर जो नालो दिंदुस मैजिक फॉर्मूला ठीक है एस में ब याद रखो सिंपल है ब प्लस चार घो दी छ चैन जो डिफरेंस है चार प्लस छ घो दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड मैक्सिमम एफ में घना इंदा सिंपली चार प्लस कहते फोर्टीन ही आए पा जी सिंपल टेबल जैसे पा चौंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केतरा अकोमोडेट थी सकता एस में ब पी में छ डी में ड और एफ में टोटल घना इलेक्ट्रॉन्स इंदा चौदह इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे पा जो सिंपल कॉन्सेप्ट थो सब शेल सब ऑर्बिट एंड सब एनर्जी लेवल टोटल पा जो चार थींदा एस पी डी एफ ये तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट थी सकता ठीक है। हाँ पा अगत मूव क्यों था जैसे मिसाल तौर अस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो बिन किस्म की है देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हे पा पे पढ़ोसे जो टू एन स्क्वायर फॉर्मूला है जो शेल जो आइडिया दे पो तुस ये जो फॉर्मूला है टू एन स्क्वायर फॉर्मूला ठीक है या नील बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पा दिनोस ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन वक्त तुम दिसद हे आइडिया खत्म थी चुको है तकरीबन तो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूव कर दो इलेक्ट्रॉन जो असो इन वक्त जो आइडिया है थ्री डायमेंशनल वे में मूव कर दो। ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा पे थोड़ा आइडिया वूस ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पो अगत पा मूव कहे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ठीक है। अचों सा पा ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नील बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सदी वी है जैमें तुम्हें एक फॉर्मुला याद रखो पव जो तक चवन तो ये फॉर्मुला ब अठ अठ बदवा अठारह अठारह में बदवा ए बटी ठीक है इन फॉर्मुला के मैजिक फॉर्मुला या मैजिक नंबर्स चवंदा ये देखे नंबर्स आन याद रखो ये मैजिक नंबर्स आन ये तक हर जगह कम जैसे पीरियड पढ़ा पीरियड में भी कम इंदा तो पे पीरियड में ब इलेक्ट्रॉन ब एलिमेंट्स होंगे बे में अठ टे में अठ चौथे में अठारह पंजे में अठारह छः में बटी एलिमेंट्स अकोमोडेट ठीक है। अगर जैसे तुम एटॉमिक नंबर ठाईद एलिमेंट्स जो तो उत भी ये फॉर्मूला कम अगर जैसे तुम शेल्स पढ़ो उन्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें भी तक ये फॉर्मूला कम अचो तो मीन्स तुम चई सोता ये तुम्हारा मैजिक नंबर्स बार बार ईंदड़ ठीक है। हाँ सिंपल पा खबर है तो जो एटम है
सिंपलेस्ट जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन जो एटॉमिक नंबर वन एटॉमिक मास है वन तक यो भी आइडिया क्लियर होजन खे एटॉमिक नंबर हमेशा हेठों लिखदाऊँस एटॉमिक मास हमेशा पा मथों लिखदाऊँ मिसाल तौर मैं एक कोई भी एलिमेंट लिखा तो एक्स एक एलिमेंट है ठीक है वह एक्स एक जनरल पा लिखो एलिमेंट्स हाँ उनको अस एटॉमिक नंबर लिखता तो हेठ एटॉमिक नंबर की सिंबल है जेड एटॉमिक मास की सिंबल है ए ठीक है वह जेड मीन्स तुम जेड मीन्स एटॉमिक नंबर जो आइडिया जो हेनरी मोज़ले दिनो हेनरी मोज़ले जैखा बाद में मॉडर्न पीरियडिक टेबल ठही वही ठीक है 1913 में ना एटॉमिक नंबर जो कॉन्सेप्ट नो हेनरी मोज़ले जेड छो सरीदाउंस याद रखोस तो पैर जो नालो हो एटॉमिक नंबर जो वो ग्रीक नेम हो माना ग्रीक में असा ग्रीक लैंग्वेज में इनके जेस्ट्रा सरीदाऊँ जेस्ट्रा जेस्ट्रा और जेस्ट्रॉन जैसे माना चाहे ऑफ इन जो कंप्लीट छा थींदो वञी करे ए ए फॉर एटॉमिक मास ए फॉर एटॉमिक मास जो ओल्ड कॉन्सेप्ट जॉन डाल्टन साइंटिस्ट भी एटॉमिक मास जो कॉन्सेप्ट दिनो ठीक है उनके अलावा तवाजो लेवोजियर भी एटॉमिक मास जो कॉन्सेप्ट दिनो एटॉमिक मास जो पुराना कॉन्सेप्ट है पर अगते हली कर 1913 में एटॉमिक नंबर जो कॉन्सेप्ट ठीक है वह हाँ बी गाल तवाके बुधाया मां त हिते पान जो जो जेड आए जेड जैसे अस एटॉमिक नंबर चाहूंता याद रखो अगर जेड वन चौता तो उते तवाके इलेक्ट्रॉन्स भी घना चौना पौंदा वन छोजो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द जेड पाँ यो भी पढ़ो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ जेड ये टई नंबर सेम होता है ठीक है अगर किथे भी जो मिसाल तौर मां चवास तो अस एलिमेंट आए यूरेनियम एलिमेंट ठीक है वह यू सैम्बल है जो एटॉमिक नंबर है 92 मीन्स अस खबर पे जो जेड जो 92 है अगर कोई असा को इलेक्ट्रॉन पुछे तो अस चुनाथे इन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केतरा इंदा तो 92 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द जेड अगर जे करें कोई प्रोटॉन पुछे तो तवंदस प्रोटॉन भी केतरा इंदा 92 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड जेड जो ये टई नंबर्स चाहता सेम होंदा छोजो अस इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्यों था इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन तो पा खबर होजन खे इलेक्ट्रॉन्स केतरा जी तुस इतने हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो सिंपलेस्ट एटम ठा टोटल एकड़ो इलेक्ट्रॉन है तुम लिख इतने न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस के बाद में फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स तुस बोंदा पे शेल में पर मजबूरी है अगर ब रखे तो गलत थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वो तुस इन में होंद ही एकड़ो इलेक्ट्रॉन है सिंपलेस्ट एटम सदियों उनके बाद मां लिखा तो सेकंड एलिमेंट है एल आई लिथियम जो एटॉमिक नंबर लिखता से टे एटॉमिक नंबर जो टे आए तो इलेक्ट्रॉन कोई पुछे तुस टे इन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्यों सर तो कड़े नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन थी तुम लिखदस पे न्यूक्लियस मैं सिंपल एटम अड़े नंबर से टाया तो छोजो अगर जो वा एटम्स टाइंदे पा जगह ही को बचती ठीक है पेरे शेल में ब जी पा के शेल में ब मीन्स के शेल में ब अगर जैसे अस एल शेल में 8 लिखे तो असा इलेक्ट्रॉन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन गलत थी तुम कट कस ब इलेक्ट्रॉन रखी चुका हूँ अगर टिन में ब वह तो भाई घना बचा एकड़ो बचे तो आखिरी शेल में एक यो आइडिया याद रखोस तो पहले शेल के इलेक् एलिमेंट्स हैं उन आखिरी शेल में अगर एक अचे तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सही कई आ अगर जो नहीं दो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तुम गलत कई आ यो इजी वे आ सुण जो थर्ड एलिमेंट पा लिखा था सोडियम जो एटॉमिक नंबर चाहे 11 कड़े नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कौ पहले शेल में बे शेल में 8 टोटल घना थी 10 बाकी रिमेनिंग बचे तो एक ठीक है इन फॉर्मूला के मैं फॉलो कल वरी पा चौंस था पोटेशियम दे पोटेशियम जो एटॉमिक नंबर घो आ टोटल 19 एटॉमिक नंबर है इनके अस डिस्ट्रीब्यूट क्यों इलेक्ट्रॉन्स एटम्स और शेल्स में ठीक है पहले शेल में ब बे शेल में 8 टे शेल में भी सिंपल 8 आखिरी शेल में तुम चौदस मागो ऐसो ब 8 आखिरी शेल में काउंट कर 10, 9, 8, 18 तुम्हें काउंट करना है छोजो मुझे आइडिया है कॉन्सेप्ट क्लियर है आखिरी शेल में पा लिखा एक ठीक है ये थी पोटेशियम तुम अड़े नंबर से रोबेडियम जो कयोस रोबेडियम जो एटॉमिक नंबर है 37 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कयोस पहले शेल में ब इन फॉर्मूला के याद रखोस
ॿिए शेल में अठ, टे शेल में अठ, चौथे में अठारह, आख़िरी शेल में घणो थींदा? टोटल तव्हांजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन बचे थो। भले तव्हां काउंट कयोसि, ॿ अठ ॾह, ॾह अठ अठारह, अठारह अठारह छटीह, बाक़ी रिमेनिंग हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन बचे थो आख़िरी शेल में लॻंदासीं। ठीकु आहे, हिन फॉर्मूला खे तव्हां फॉलो कंदा हलंदव तव्हांखे तमामु आसान लॻंदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अहिड़े नमूने सां मां रुबिडियम कई आहे। रुबिडियम खां बाद में मां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कयांसि थो। रुबिडियम खां बाद एलिमेंट आहे सीज़ियम, जंहिंजे एटॉमिक नंबर 55 आहे। पहिरें ग्रुप जो सॼा कयोसि था पाण, पहिरें शेल में 2, ॿिए शेल में 8 ऐं टे शेल में तव्हां ॾिसंदोसि घणा ईंदा, टे शेल में बि 8, चोथे में 18, पंजे में 18, भले तव्हां काउंट कयोसि, 2 8 10, 10 8 18, 18 18 36, 36 18, टोटल थींदा 54, रिमेनिंग हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन बचे थो। इन जे करे त असां 1A ग्रुप वारनि खे सॾींदाऊंसि मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। मोनोवेलेंट लफ़्ज़ मोनो जी माना छा आहे? मोनो मीन्स वन। वेलेंट लफ़्ज़ जी वेलेंट वरितो वियो आहे, वेलेंट लफ़्ज़ वरितो आहे वेलेंस मां। त आख़िरी शेल, आख़िरी शेल में इलेक्ट्रॉन हिकु अचे थो, इन जे करे असां चवंदा वेलेंस शेल कंटेंस ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इन जे करे पाण हिन ग्रुप जो नालो रखियो आहे मोनोवेलेंट। हे मोनोवेलेंट एलिमेंट आहे, ग्रुप आहे। ठीकु आहे, लास्ट एलिमेंट आहे फ्रांशियम, जंहिंजो एटॉमिक नंबर आहे 87। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाण कयोसि, पहिरें शेल में 2, ॿिए शेल में पाण जा इलेक्ट्रॉन्स केतिरा ईंदा हुआ? ॿिए में 8, हे फॉर्मूला तव्हांखे यादि हुजणु खपे। ठीकु आहे, वरी 8, 18, 18, 32 काउंट कंदा हलंदोसि, 2 वटि 10, 10 वटि 18, 18 वटि 36, 36 वटि 54, 54 ऐं 32 86 थींदा वञी करे, बाक़ी रिमेनिंग हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन बचंदो आख़िरी शेल में। आइडिया क्लियर थी वियो। ऐं हे जेको फॉर्मूला आहे पाण जेको हे फॉर्मूला पढ़ियो आहे, हे फॉर्मूला तव्हांजो एप्लीकेबल आहे पहिरें ग्रुप वारनि जे लाइ, 1A वारनि जे लाइ, 2A वारनि जे लाइ ऐं 8A ग्रुप वारनि जे लाइ हे फॉर्मूला एप्लीकेबल। अगरि जेकॾहिं मिसाल तौरु टे, चोथे, पंजे, छह जा ग्रुप जा अचनि था त पोइ थोरो फॉर्मूला तव्हां चेंज कंदव। तव्हां लिखंदव 2, 8 हिकु दफ़ो, 18 ॿ दफ़ा। ठीकु आहे, सिर्फ़ु इहा चेंजिंग आहे त 8 जेको इस्तेमालु थींदो उहो तव्हांजो इन में वन टाइम इस्तेमालु थींदो। ठीकु आहे भाउ, हाणे तव्हां ॾिसो हे फॉर्मूला पाण जो आहे कहिड़े ग्रुप जे लाइ, 3A ग्रुप खां वठी करे 7A ग्रुप ताईं, हैलोजन ग्रुप ताईं। ठीकु आहे भाउ, हाणे मां एलिमेंट्स लिखां थो। फस्ट हिकिड़ो मां एलिमेंट खणां थो ॿिए ग्रुप जो, मिसाल तौरु असांजो एलिमेंट आहे बेरियम। ऐं सेकंड मां हिकिड़ो ॿियो एलिमेंट खणां थो, हे तव्हांजो ॿिए ग्रुप जो आहे। ऐं मां खणां थो चोथें ग्रुप जो एलिमेंट आहे SN, जंहिंजो एटम नंबर आहे 50, हिन जो एटम नंबर आहे 56। ठीकु आहे, थोरो तव्हांखे कॉन्सेप्ट क्लियर करे छॾियां त हे फॉर्मूला किथे इस्तेमालु थिए थो, हो फॉर्मूला किथे इस्तेमालु थिए थो। हे ॿिए ग्रुप जो आहे त ॿिए ग्रुप जे लाइ असां फॉर्मूला पोइ हिते पढ़ी आया आहियूं, 2 8 8 8 दफ़ा, ॿ दफ़ा इस्तेमालु थींदो। पहिरें शेल में 2, ॿिए शेल में 8, वरी तव्हां लिखंदोसि 8, वरी 18 काउंट कंदोसि, 10 18 18 18 36, 36 खां बाद में वरी तव्हां 18 यूज़ कंदोसि, तव्हां न 54, टोटल आख़िरी शेल में 2, ॿिए ग्रुप जो आहे। असांजो हितां बि आइडिया क्लियर थी वञे थो हे कहिड़े ग्रुप जो एलिमेंट आहे, सेकंड ग्रुप जो, छो जो आख़िरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अचनि था। इनखे चइबो आहे डायवेलेंट। ठीकु आहे, लफ़्ज़ डाए जी छा आहे? डाए मीन्स 2, साॻो वेलेंट जो माना वेलेंस आहे। आख़िरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ईंदा त तव्हां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सही कई आहे। हर ग्रुप जे आख़िरी शेल में उहो ई इलेक्ट्रॉन ईंदा जेको उन ग्रुप सां वापसि था हूंदो। मिसाल तौरु चोथे ग्रुप जो आख़िरी शेल में 4, पंजे ग्रुप जो आख़िरी शेल में 5, छह जो आख़िरी शेल में 6, सते जो आख़िरी शेल में 7, अठे जो आहे त आख़िरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। हे चोथे ग्रुप जो आहे, हिन जो जेकॾहिं असां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हिन फॉर्मूला खे फॉलो कंदोसि, 2 8 हिकु दफ़ो इस्तेमालु करिणो आहे। ठीकु आहे भाउ, हिते ग़लती न आहे करणी, बसि इहा ई मिस्टेक आहे जेका अक्सर स्टूडेंट्स कंदा आहिनि, जंहिंखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करण न ईंदी आहे। ठीकु आहे, हिते 2 दफ़ा 8, छो जो ॿिए ग्रुप जो एलिमेंट आहे, ऐं अगरि 8 जो हुजे हा त बि असां 2 दफ़ा 8 इस्तेमालु कयूं। हे आहे चोथे ग्रुप जो एलिमेंट, अगरि 3 जो हुजे हा त बि असां 1 दफ़ो 8 इस्तेमालु कयूं, 5 जो हुजे हा 1 दफ़ो 8, बाक़ी वरी असां 18 इस्तेमालु कयूं। ठीकु आहे, अगरि इहो एलिमेंट 6 जो, 7 जो हुजे हा त पाण 1 दफ़ो 8, बाक़ी 18 जेको आहे असांखे 2 दफ़ा, भले काउंट कयोसि तव्हां, 2 8 10 थींदो, 10 18
टोटल पाण जो थींदो वञी करे 28 ऐं 18 जे करे 46 टोटल इलेक्ट्रॉन बचंदा 4 आख़िरी शेल में 4 इन मां साबित थिए थो त हे जेको आहे टेट्रावेलेंट एलिमेंट आहे जंहिंजे करे सम्झंदो चोथें ग्रुप वारा टेट्रावेलेंट आहिनि। लव्स टेट्रा जी माना छा आहे? टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, 4 आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स। आइडिया क्लियर थी हो? ये फार्मूला याद रखो, ये फार्मूला इस्तेमाल दिंदो टे ग्रुप का वठी करे अठे ग्रुप तई। जो पोते पा फार्मूला पढ़ी आया से उनमें अस इस्तेमाल कर पे ग्रुप बो ग्रुप एंड पान जो थो अठो ग्रुप ये टिन ग्रुपन के लिए तवजो ये जो बाकी रिमेनिंग 5 ग्रुपन के लिए एतो तई काफ़ी आए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ंदे। ये कंप्लीट पा जो लेक्चर है जैमें पा शेल्स के बारे में सब शेल्स के बारे में सीखो से उनके अलावा ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पा कई से तवे ये असाइनमेंट है तुम टे ग्रुप का वी अठे ग्रुप तक प्रैक्टिस कजो उनके अलावा तुम पे ग्रुप बे ग्रुप एंड अठे ग्रुप वारन जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पा कर दीजो इन फार्मूला तहत। ये फार्मूला तुम नोट कर छोस। ठीक है, ये पा जो कंप्लीट आइडिया थो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के मुताबिक।